केणु कहे बेफा के कारण आगे एक दानिश वे गए भरे रूमा। हाँ यो है अश्वगंधारू खेत। हाँ ठीक है, अब इनने घड़ा कितर बैठी के नहीं बैठी वो पत्तों पाड़ना लगभग। हाँ तो माँ मुँह नजर आ गया जी। हेलो, गांव फतेहपुर में बेहुलाल जी खेत में अश्वगंधा बोई है। अभी वो निकाल के अपने को बता रहे हैं उनका अश्वगंधा की जड़ और टहनी ये कैसी है, वो आप ये वीडियो देख के आपको मालूम पड़ेगा। ये इस प्रकार से टूट रही है और ये इनको ने एक निकाल के और एक को ये तोड़ा है और वो पटाख से मूली की तरह टूट रही है। अब और अभी ये दूसरी और निकाल रहे हैं। अब निकाल दो गला भी ले। ये ये अश्वगंधा का दूसरा झाड़ निकाला है, उसके नीचे भी वो मूली टाइप ये नीचे इसकी जड़ें हैं और ये वो तोड़ रहे हैं। ये पटाख से वो टूट रही है, जैसे मूली टूटती है वैसे ये टूट रही है। अभी इसको कितने दिन और आगे रखा जाए या इसको निकाला जाए ये वीडियो देखे और हमें वापस फ़ोन करें। और ये ऊपर की टहनी इनका क्या करना है, ऊपर आगे बीज को तैयार करना है या फिर इसको अभी से निकाला जाए। ये और तीसरा, ये तीसरा झाड़ निकाल लें। ये तीसरा पौधा निकाला, उसके नीचे भी वो देखो ये जो नीचे का भाग पूरा मूली मूली जैसा है और ये इसको तोड़ रहे हैं और ये देखो ये पटाख से टूट गया वो, और एकदम कोमल है वो सेम मूली की तरह। अभी इसको आगे और रखा जाए कि यहाँ से अभी निकाला जाए, इसका हमको वापस जवाब देना है, मतलब हमको जवाब चाहिए ताकि इसको क्या अब निकाल के गाय भैंस को खिला दें और फिर इसको छटनी की जाए ऊपर से और मूली को अलग से की जाए या थोड़े दिन और रखा जाए, ऊपर बीज तैयार किया जाए, ज़्यादा अच्छा कौन सा है वो काम हमको आगे बताया जाए। ये पूरा देखो ये खेत है और यहाँ पे इन्होंने पूरा ये बुआई किया है। और अगर लगा ये उनकी मम्मी बैठी है, वो गाय है और ये पूरा खेत इन्होंने अश्वगंधा तैयार किया है। और ये तीसरा थोड़ा ये देखो ये भी सेम वैसे मूली की तरह टूट रहा है, ये इधर मजबूत हो गया। हाँ अभी वो नीचे जिधर पौधा चालू हुआ वहाँ मजबूत है, नीचे जड़ एकदम कोमल है। तो अभी इसको आगे क्या करना है वो ये फोटो देख के